गुड मॉर्निंग एवरी वन माई सेल्फ कैला सोनी एंड आई वेलकम टू यू ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर मेरे प्रिय विद्यार्थियों लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिस्कस किया था और उसका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रूल था वो हमने समझा था कि वैन वी सी द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर एज ही शी एंड इट

अब चलते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस देन आई कैन राइट हेयर डू एंड डज आई कैन राइट हेयर डू एंड डज़। ये हमारी दो हेल्पिंग वर्ब रहेगी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं ध्यान दीजिएगा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो डू है एज ए हेल्पिंग वर्ब भी काम आए ध्यान देना डू अपने आप के अंदर ये मेन वर्ब भी होती है इफ आई टॉक अबाउट डू ये मेन वर्ब भी होती है कैसे अगर मैं फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म की बात करूं इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म द वर्ब ऑफ डू देन आई कैन राइट हेयर डू डेड एंड डन तो डू का मीनिंग होगा करना डू का मीनिंग क्या हो जाएगा करना तो एक बात हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी मेन वर्ब हो सकती है डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उसका रोल क्या है जब हम सेंटेंस देखेंगे उस सेंटेंस को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है या एज ए मेन वर्ब है इसका भी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको ये भी माइंड में क्लियर हो जाएगा मैंने कहा ना छोटी छोटी चीज़ें देखते हुए चलेंगे जैसे मान लो जैसे बात करूं मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आई हैड आई हैड हैड लंच यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया आई हैड हैड आई हैड हैड लंच यानी कि ये प्रेजेंट सॉरी ये पास्ट परफेक्ट का ये एग्जाम्पल है यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो एग्जाम्पल अपना है पास्ट परफेक्ट का क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है ये हेल्पिंग वर्ब होगी अपनी दिस इज अवर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज अवर मेन वर्ब बात आ रही समझ में मैं इस हैव को किस तरीके से लिख सकता हूं ये हैव ये हेड और ये हैड तो यहाँ पर जब हेड लिखूंगा तो इस हेड का मतलब अलग हो जाएगा टू टेक है ना लेना यानी कि मैं लंच ले चुका हूँ मैं लंच कर चुका हूँ मैंने लंच कर लिया है सॉरी मैंने लंच कर लिया था क्योंकि बात किसकी हो रही है पास्ट परफेक्ट की हो रही है तो मैं लंच कर चुका था यानी मैंने लंच कर लिया था तो यहाँ पर ये तो हेड हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूँ मैंने कहा ना सब्जेक्ट हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है फिर भी बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब याद करो मैंने आपको कहा था कि जब भी परफेक्ट के सेंटेंस बनाएंगे तब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज लेंगे थर्ड फॉर्म यूज लेंगे अब आप यहां पर देख सकते हो अब देखो यहां सब्जेक्ट मैंने आपको पहले कहा था याद रखने की जरूरत नहीं है ये सब्जेक्ट हो गया अपना यहां पर देखो ये क्या हो जाएगी ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है हेड पास्ट परफेक्ट की ये आ गई इसकी हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म ये देख लो यहाँ पर हैव थी फर्स्ट फॉर्म हैड थी सेकंड फॉर्म हैड थी थर्ड फॉर्म हैड का मतलब मैंने कहा ना टू टेक लेना है ना तो यहाँ पर ही हैड मेन वर्ब के अकॉर्डिंग काम किया है इसने और लंच यानी कि जो दोपहर का भोजन है तो मैंने दोपहर का भोजन ले लिया था या मैं दोपहर का भोजन कर चुका था तो ये अपना जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्योंकि काम हमने किस में किया लंच पे मैंने पहले ही कहा था ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत तो नहीं है ये देखने की जरूरत तो नहीं है इसको बाद में समझाऊंगा हेल्पिंग वर्ब को कैसे माइंड में रखना है और ये भी मैं, मैंने आपको कहा था कि वो वर्ब की फॉर्म जो भी है वो आपके माइंड में मैंने आपको सेट करवा दी थी इसको हम बाद में समझेंगे कि कैसे किस तरीके से आपके माइंड में रखना है जब टेंस हम पास्ट परफेक्ट टेंस लेंगे तब मैं यहाँ क्या समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान देना मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि सेंटेंस के अंदर क्या वो जो वर्ड लिख रखा है वो जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी है वो कभी कभी मेन वर्ब भी होती है हेल्पिंग वर्ब अपना अलग प्ले करती है और वो का वो मेन वर्ब के अंदर आएगी तब तो रोल अलग प्ले करेगी यहां ये हेड अपनी सहायक क्रिया होगी ये ये सहायक सहायक क्रिया क्रिया कहूंगा मैं पर अपनी क्रिया है ठीक है और यहां पर ये हो जाएगी मुख्य क्रिया तो एक हेड क्या हो गया सहायक क्रिया और दूसरी हेड क्या हो गया मुख्य क्रिया ये एग्जाम्पल आपके जो बुक है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि आई हेड हेड लंस तब आप हो सर दोनों हेड कहाँ से आए तो उसमें एक हेड तो क्या हो जाएगा टेंस की साइक क्रिया है और दूसरा हेड मुख्य क्रिया है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म है क्योंकि वैन वी यूज परफेक्ट वैन वी मेक परफेक्ट टेंस सेंटेंस इज देन वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म द वर्ब ठीक है तो आपको ये समझना है इस तरीके से हेड हैड आया है, तो एक साइक क्रिया दूसरी मुख्य क्रिया अब चलते हैं वापस अपने देखो तो मैंने आपको कहा डू जो है ऐसे मेन वर्ग भी इस तरीके से डू भी हो सकता डू डिड है ना तो डू हेल्पिंग वर्ग भी होती है और डू मेन वर्ग भी होती है अब इसका डू और डज अब बात करते हैं अपन पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ग की जो इसने टेंस के अंदर है यहाँ पर तो आपको सिर्फ इतना समझना था कि दोनों तरीके से यूज की जा सकती है देखो अगर मैं बात करूं डू की पहले मैं यहां पर फिर से एक बार लिख देता हूं थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही शेट, अपना ही शेट, ये अपना ही अपना अपना ये के साथ मैंने आपको क्या कहा था प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है इसको देखना है ये ही शीट होगा तो एस एस आई एस होगा अब मैं बात कर रहा हूं हेल्पिंग वर्ब की जो अपने पास कौन कौन सी है जो अपने पास है डू और अपने पास है डस ये दोनों अपने पास हेल्पिंग वर्ब है अब ये डू और डज कहां कहां यूज होती है ये अपन को समझना है कि सर डू कहां यूज होगी और डज कहां यूज होगी अब मैं आपको समझाता हूं मेरा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा अब देखो अब मैं बात कर रहा हूं इस डज की तो क्या इस डज को क्या इस डज को मैं ऐसे लिख सकता हूं डू प्लस ई एस क्या इस डज को मैं ऐसे लिख सकता हूं डू प्लस yes. क्या ये डू प्लस टू नहीं हो नहीं हो गया आपने ठीक है अब देखिएगा ध्यान से अब ये तो अपना था डू डू के पीछे क्या लग गया ये रहा ई yes. एस और ये रहा अपने पास ई yes. तो एस तो अपन एस आई एस कब लगाते हैं जब देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है ही शी और इट होता है तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों जब भी हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के तो हम डज किसके साथ यूज़ करेंगे हम डज यूज़ करेंगे इस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हम डज यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर ई एस आ रहा है ई एस और ई एस इसके अंदर भी है इसलिए जब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट ही शीट है तो वर्ब के पीछे एस ई एस आई एस लगाएंगे और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या यूज़ करेंगे डज यूज़ करेंगे इतना माइंड में रखना है तो ही शीट के साथ तो हो गया डज अपना और बाकी सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे डू बात आई समझ में ये ले लो इधर और अगर मैं बात करूं डू की तो डू के पीछे कौन कौन से बच गए अगर बात करूं आई की बात करूं मैं वी की बात करूं मैं यू की और बात करूं मैं दे की तो इन सभी के साथ क्या यूज हो जाएगा डू यूज हो जाएगा ठीक है जैसे राम डज नॉट राइट अ लेटर आई डो नॉट राइट ए लेटर वी डो नॉट यू डो नॉट और दे डो नॉट ठीक है तो डू वो डज अपने पास में बे दो जो है वो क्या है हेल्पिंग ऑफ्स है इस प्रजेंट सिंपल टेंस की और डज का थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होने का रीज़न है क्योंकि डज बना किससे है डू वर्ड से बना है जिसके पीछे यस लगा है बात आ रही है समझ में तो इसलिए डज को हम किसके साथ यूज लेंगे ही शेट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो माई डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डू और डज़ का डज ही शीट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ काम में लेंगे और डू बाकी सभी के साथ काम में लेंगे अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स अब देखो ये तो हमने समझा कि डू और डज किस किस के साथ में यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब अपन सेंटेंस बनाने के लिए बैठते हैं तो कितने तरीके के सेंटेंस हम हमको जो बनाने होते हैं तो वो एक एक करके समझते हैं जैसे मैं यहां पर बहुत सिंपल ही सेंटेंस लेता हूं मैंने यहां लिखा राम फुटबॉल या राम चेस शतरंज खेलता है मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया कि राम शतरंज खेलता है ठीक है अब राम शतरंज खेलता है तो इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे इसको हम लिखेंगे थोड़ा सा वीडियो में लाइट कमा रही थी राम शतरंज खेलता है हमारे सामने यह सेंटेंस है अब राम की जब बात होगी तब राम हमारा क्या होगा राम हमारा होगा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर तो मैं यहां पर जब लिखूंगा तो राम प्लीज चेस ये अपना सेंटेंस बन जाएगा कि राम प्लेज चेस राम क्या खेलता है शतरंज खेलता है अब ध्यान देना ये सेंटेंस मैंने क्यों लिया समझना इसको यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए इसके पीछे क्या आ गया एस ई एस आई एस आ गया और ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया अब एस ई एस आई एस वाई के हटाकर हम आई एस -E लिखते हैं लेकिन यह वाई से पहले क्या है या वाई से पहले हमारा वोवल वो है इसलिए आई एस -E नहीं लगा सिर्फ एस लगा ये तो था हमारा मेन सेंटेंस है ना अब हम बात करते हैं इस मेन सेंटेंस की कितनी कैटेगरी होती है यह तो अपना अगर मैं कहूंगा तो इसको मैं कहूंगा पॉजिटिव सेंटेंस कह सकता हूं, हूं। यह अपनी फर्स्ट कैटेगरी है ये की फर्स्ट कैटेगरी है अब दूसरी कैटेगरी में अगर मैं चलूंगा तो किस तरीके से बनेंगे ये देखो दूसरा होगा नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस राम डज नॉट प्ले चेस yes. तो ये हमारी हो गई सेकंड कैटेगरी इसको मैं कहूंगा सेकंड कैटेगरी चलते हैं थर्ड कैटेगरी की ओर अब देखो सिंपल सेंटेंस के अंदर तो अपने एस एस आई एस लगा दिया और दूसरा जब हमने सेंटेंस बनाया तो यहां पर हमने क्या लिखा डज नॉट अब देखो डज नॉट लिखने के बाद में हमने वाई के पीछे एस एस आई एस वापस नहीं लगाया तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर दे रखा है सब्जेक्ट और वर्ब के पीछे एस ई एस आई एस लगा हुआ है तो जब इसका नेगेटिव बनेगा तो हम डज नॉट का यूज करेंगे और इसके बाद वापस एस ई एस आई एस का यूज नहीं करेंगे यह भी समझते हैं क्यों क्योंकि हमको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज क्या है एस ई एस आई एस का यूज ही प्रेजेंट सिंपल टेंस है और एक बार अगर एस ई एस आई एस का यूज हो जाए तो बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है इस डज के साथ हो रहा है एस का यूज इसलिए इस प्ले के पीछे हमने क्या किया एस नहीं लगाया बात आई समझ में तो सीधा सा हो गया राम डज नॉट प्ले चेस अब चलते हैं अपन थर्ड की ओर तो यहां पर यह हो गया राम डज नॉट प्ले चेस अब यहां तक तो ठीक है फर्स्ट कैटेगरी इसकी होगी अफॉर्मेटिव सिंपल या जर्डिव कह सकता हूं सेकेंड ये कौन सी हो जाएगी ये नेगेटिव हो जाएगी मैं साथ साथ में नेम भी लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले इसको मैं पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस कह सकता हूं आई कैन से और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ठीक है अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी की और अब थर्ड कैटेगरी जो अपनी होगी वो इंटरोगेटिव होगी प्रश्नवाचक वाली होगी अब जब प्रश्नवाचक वाक्य हमारे सामने होगा ध्यान से सुनेगा इसको थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं ताकि आपके लिए बहुत ही आसान रह जाएगा ठीक है इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले लेते हैं चलो पहले सिक्स सेंटेंस इंग्लिश देख लेते हैं फिर इसके हिंदी में देख लेते हैं जैसे क्या रामपत्र लिखता है ये सिंपल सेंटेंस था साथ में इसकी हिंदी भी लिख देते हैं राम राम शतरंज नहीं खेलता है ताकि आपको पता चलेगा किस सेंटेंस की हमने क्या करी है इंग्लिश बनाई है, ठीक है और तीसरा होगा क्या राम शतरंज खेलता है चौथा होगा क्या राम शतरंज नहीं खेलता है और पांचवा होगा राम शतरंज क्यों खेलता है और जो सिक्स कैटेगरी हमारी होगी वो होगी राम यहां पर लिख देता हूं मैं राम शतरंज क्यों नहीं खेलता है ध्यान से देखिएगा सेंटेंसेस को इसको क्रैम करने की नीड नहीं है जो सेंटेंस लिखे हैं वो थोड़ा समझना है है ना किस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं तो राम शतरंज खेलता है तो राम प्लेस चेस हो गया बहुत इजीली सेंटेंस बन गया और जब नेगेटिव बनाएंगे तब तो क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब को काम में लेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है राम इसलिए मैंने क्या किया यहां पर बिल्कुल सीधा सा भी अपने सेंटेंस बनाया था राम डज नॉट प्ले चेस हो गया राम डज नॉट प्ले चेस हो गया फिर देखो क्या राम शतरंज खेलता है बात समझिएगा क्या राम शतरंज खेलता है अब देखो अब सेंटेंस शुरू हो रहा है क्वेश्चन मार्क से तो जब भी क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस शुरू होगा जब भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो अब यहां पर माइंड में एक कॉन्सेप्ट आपके सेट करना है कि वैन वी मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस देन वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब भी हम प्रश्नवाचक वा, वाले वाक्य बनाएंगे तब एक हम काम करेंगे कि जो भी टेंस के वाक्य हम प्रश्नवाचक वाले बना रहे हैं उस टेंस की जो भी सहायक क्रिया है इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है डू Do और है, तो बस उस टेंस की सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लिख दो और कुछ नहीं करना है तो इसका सब्जेक्ट क्या था हमारे पास? काम करने वाला कौन है? राम है तो राम से पहले मैं क्या लिखूंगा डज फिर लिखूंगा डज राम प्ले चेस बस ये हो गया इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और अब आते हैं अपन फोर्थ कैटेगरी के सेंटेंस के अंदर है ना ये क्या हो जाएगा हमारा साथ साथ में मैं लिखते हुए भी चल रहा हूं ये हमारा सिंपल सेंटेंस था और ये जो सेकेंड कैटेगरी वाला था क्या था ये नेगेटिव सेंटेंस था है ना और ये थर्ड कैटेगरी वाला हमारा कौन सा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस था और अब जो फोर्थ कैटेगरी हमारी आएगी तो वो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या राम शतरंज नहीं खेलता है? तो सेंटेंस किस शुरू हो रहा है क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि सब्जेक्ट से पहले क्या कर दो जब वाक्य क्या से शुरू हो और क्वेश्चन मार्क दे रखा हो तो उस टेंस की सह क्रिया को पहले लिख दो यहां पर मैंने क्या किया डज लिख दिया मैंने यहां राम की जगह राम और जब नॉट आएगा तो राम के जस्ट बाद में नॉट आएगा यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या यूज करेंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अपन को देखना है कि नॉट यूज करना है हमेशा देखो ड राम नॉट प्ले चेस बात आई समझ में और इसी तरीके से राम शतरंज क्यों खेलता है अब देखो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है इसको पहले मैं लिख देता हूं कौन सा सेंटेंस है ये आपके हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव फोर्थ कैटेगरी इंटरोगेटिव नेगेटिव अब देखो अब सेंटेंस राम शतरंज क्यों खेलता है तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले जब हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो सबसे पहले उस डब्ल्यू एच वर्ड को लिखेंगे और बाद में मैंने आपको क्या कहा था कि क्वेश्चन मार्क का मतलब यही है कि सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगी उस टेंस की हेल्पिंग और आ जाएगी तो राम सॉरी सा, वाई डज राम प्ले चेस और लास्ट सेंटेंस इसको हम क्या बोलेंगे इस सेंटेंस को हम कहेंगे फिफ्थ कैटेगरी का सेंटेंस होगा कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस इसका ये कौन सा है अब देखो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा राम शतरंज क्यों नहीं खेलता है तो देखो क्वेश्चन मार्क वाला है और क्यों से बन रहा है तो वाई तो सबसे पहले लिख दो वाई दूसरा सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा डज वाय डज राम और राम के बाद आ जाएगा नॉट प्ले चेस क्वेश्चन मार्क और इसको मैं क्या कहूंगा ये हमारा होगा डब्ल्यू एच इसको मैं कहूंगा डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव नेगेटिव दीज आर सिक्स टाइप ऑफ सेंटेंसेस जब हम वाक्य बनाते हैं तो ये हमारे छह तरीके के वाक्य है बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल है इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा देखिएगा अब देखें इसको वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या है देखो अभी थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे लेकिन जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा बिना किसी स्ट्रक्चर के रटे देखो छह तरीके के वाक्य हमको समझने दे आर सिक्स टाइप ऑफ सेंटेंसेस व्हेन वी मेक सेंटेंस हम वाक्य बनाते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग वाक्य होते हैं छह तरीके के जो तो चार तरीके के होते हैं वो बाद में पढ़ाऊंगा कैसे है ना अब देखो सबसे पहले सामान्य वाक्य साधारण वाक्य पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर इंटरोगेटिव फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये सिक्स टाइप के सेंटेंसेस हमारे सामने हैं तो राम शतरंज खेलता है राम शतरंज नहीं खेलता है क्या राम शतरंज खेलता है क्या राम शतरंज नहीं खेलता है राम शतरंज क्यों खेलता है और राम शतरंज क्यों नहीं खेलता है ये छह तरीके के वाक्य बनेंगे सिंपल में सीधी सी बात है सब्जेक्ट लिखते हैं पहले वारू के बाद में एस सी एस आई एस लगाते हैं अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नहीं है तो रहने दो तो है इसलिए एस सी एस आई एस लगा दिया हमने और सेंटेंस बना दिया राम प्लेस चेस नेगेटिव में डू डज का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब का थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है राम इसलिए मैंने यहां पर क्या यूज कर दिया डज यूज कर दिया तो राम डज नॉट प्ले चेस मैंने यहां वापस एस सी एस आई एस क्यों नहीं लगाया क्योंकि डज डू के पीछे ये लगा हुआ है हमको एक बार ही एस सी एस आई एस, एस लगाना है अब देखें आगे जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो उसकी कंडीशन क्या है उसकी कंडीशन ये है कि जिस किसी वाक्य का भी प्रश्नवाचक वाक्य सॉरी जिस किसी टेंस का भी कोई भी टेंस हो जिसका हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे उसमें उस टेंस की जो भी सहायक क्रिया होगी उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे बस अगर देखो सेंटेंस क्या से शुरू होता है सीधी सी बात है क्वेश्चन मार्क वाला है है ना डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है इसके अंदर तो क्या से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट से पहले हम क्या लिख देंगे ये लो यहां पर लिख देंगे हेल्पिंग वर्ड बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा एज इट इज इसमें ठीक है ये हो गया इंट्रोगेटिव दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट नॉट कभी अलग नहीं होंगे वो का वो है आ गया जाएगा अब यहां चेंज हो रहा है फिफ्थ कैटेगरी के अंदर क्योंकि यहाँ डब्लू एच वर्ड आ रहा है तो इस डब्ल्यूएच वर्ड को हमेशा सबसे पहले लिखना है डब्ल्यू एच वर्ड और बाकी चूंकि क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डज इसके आगे आ गया फिर नाम आ गया फिर प्ले चेस आ गया इसी तरीके से वाई पहले आ गया अब सब्जेक्ट से पहले यहां डज आएगा वाई डज नॉट राम नहीं आएगा वाई डज राम नॉट आएगा ध्यान देना सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा ये बात आप ध्यान रखना चाहे जब भी हम फोर्थ जब भी हम फोर्थ और सिक्स कैटेगरी का जब भी सेंटेंस बनाएंगे ये रहा अपना फोर्थ और ये रहा अपना ये सिक्स कैटेगरी का सेंटेंस हम जब भी बनाएंगे ये जो कैटेगरी है सिक्स कैटेगरी है तो जब भी हम फोर्थ और सिक्स का सेंटेंस बनाएंगे तब हम क्या करेंगे तब हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे उससे पहले नहीं वाई डज राम नॉट नी सॉरी वाई डज राम नॉट होगा वाई डज़ नॉट राम नहीं होगा अब इसमें ध्यान देने लायक एक और बात है हम डजेंट का यूज कर सकते हैं वाई डजेंट राम प्ले चेस ऐसा हम लिख सकते हैं ठीक है अब देखते हैं आगे ठीक है ये तो अपना हो गया सिक्स कैटेगरी के सेंटेंसेस अब देखो ये छह तरीके के वाक्य इस तरीके से बनते हैं एक मैं सिंपल सा और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं उसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझा रहा हूं मैं आपको देखें जैसे माई मदर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पैरट Parrot flies in the sky. तोता tota, आसमान में उड़ता है पैरेट फ्लाईज इन द स्काई अब मैंने यहाँ पर आई एस क्यों लगाया क्योंकि जब पैरेट की बात करूँ तो पैरेट कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन है ना तो आप तोते हो ना मैं हूँ है ना ये पैरेट जो है वो क्या है वो तोता है इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया ये थर्ड पर्सन है इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर यहाँ पर इस फ्लाई के अंदर वाई हटा कर, एस लगा दिया क्योंकि एल कॉन्सोनेट था यहां पर इसलिए यहां पर क्या हो गया फ्लाई का यहां पर इस फ्लाई का मैंने क्या लिखा फ्लाइज लिख दिया ठीक है अब देखो ये तो प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस अब इसका नेगेटिव तोता आसमान में नहीं उड़ता है तो कैसे लिखेंगे पैरट. अब पर्सन है डज नॉट अब देखो अब यहां हम क्या लिखेंगे हाँ यहां हम लिखेंगे फ्लाई इन द स्काई अब हमने फ्लाई क्यों लिखा फ्लाइज क्यों नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि एक बार यूज करना है FCSIS का। अब है थर्ड सेंटेंस क्या तोता आसमान में उड़ता है अब सेंटेंस शुरू हो रहा है क्वेश्चन मार्क से तो इसको हम कैसे बनाएंगे सीधी सी बात है इसकी हेल्पिंग को तो पहले लिख दो डज को और उसके बाद लिख दो इसका सब्जेक्ट बस इतनी सी बात है डज पैरट फ्लाई इन द स्काई बात आ रही समझ में इस तरीके से अपने सेंटेंस बनाने हैं अब देखो थर्ड देखो अब देखो क्या तोता आसमान में नहीं उड़ता है यहां लिख दो डज फिर से क्वेश्चन मार्क है डज डज पैरट अब इसके बाद नॉट आएगा मैंने आपको बताया था फोर्थ और सिक्स सेंटेंस में सब्जेक्ट और नॉट की बॉन्डिंग है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है कभी अलग नहीं होंगे फोर्थ और सिक्स सेंटेंस के अंदर ध्यान रखना डज पैरट नॉट फ्लाई इन द दाय अब देखो तोता आसमान में क्यों उड़ता है डब्ल्यू एच पड़ ले रहा हूं तो सबसे पहले डब्ल्यू एच क्या आएगा वाई उसके बाद Does उसके बाद पैरट फिर फ्लाय इन द स्काय ठीक है बहुत आसान है ये बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है अपन को फिर डब्ल्यू एच कोई भी ले जरूरी नहीं है कि वाई हो वेन हो वट हो कुछ भी ले सकते हो डब्ल्यू एच ऑड हमेशा पहले आएगा और जब भी डब्ल्यू एच ओड आएगा उसके जस्ट बाद में उस टेंस की क्या आएगी उस टेंस की उसके बाद में क्या आएगी उस टेंस की सहायक क्रिया आएगी पहले डब्ल्यू एच ओड फिर सहायक क्रिया डब्ल्यू एच ओड फिर सहक क्रिया ठीक है अब चलते हैं आगे व्हाई डज पैरट सब्जेक्ट नॉट की बॉन्डिंग है चौथे और सिक्स सेंटेंस में ये लो पकड़ो भाई इसको ये कभी अलग नहीं होगी अब मुझे लगता है आपको समझ में आ चुके होंगे ये सेंटेंस अभी थोड़े से और टफ लग रहे होंगे किसी को कि सर क्या है लेकिन जिस तरीके से हम जैसे प्रेजेंट टेंस अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर आपको लगेगा सर सेंटेंस बनाना इतने आसान थे करना क्या है एक दो तो नए नियम ध्यान में रखने हैं वही सिंपल सेंटेंस तो सिंपल ही वे में बन जाएगा है ना उसकी वर्ब के अकॉर्डिंग और नेगेटिव में क्या होगा उस टेंस की सहायक क्रिया क्या है वो लगानी है अपन को नेगेटिव है इंट्रोगेटिव में इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना है और इंट्रोगेटिव मीनिंग क्या इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और जब भी क्वेश्चन मार्क आया आप किसी भी वाक्य का वाक्य की अगर आप इंग्लिश बना रहे हैं है ना और अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव क्यों बोलते हैं उसको क्योंकि प्रश्नवाचक पूछताछ के लिए क्वेश्चन मार्क वाला क्या तोता उड़ता है प्रश्न की तरह बात हो रही है यहाँ पर प्रश्नवाचक तो जब भी प्रश्नवाचक की बात होगी उस टेंस की जो भी क्या है उस टेंस की जो भी सहायक क्रिया है वो हमेशा क्या आ जाएगी वो पहले आ जाएगी ये देखो ये रहा प्रश्नवाचक ये देखो ये रहा प्रश्नवाचक यहाँ पर ये देखो ये रहा प्रश्नवाचक ये सब्जेक्ट से पहले इसकी सहायक क्रिया ये प्रश्नवाचक ये रहा सब्जेक्ट से पहले इसकी सहायक क्रिया तो कहने का मतलब क्या हुआ प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब यही है कि जब भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाए किसी भी टेंस का हो कोई भी लिखना हो तो सहायक क्रिया जो टेंस की है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी बात आई समझ में और फोर्थ और सिक्स कैटेगरी ये देखो ये हमारी थी फर्स्ट कैटेगरी है ना ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ और सिक्स वैन आई टॉक अबाउट फोर्थ एंड सिक्स कैटेगरी इन दोनों की जब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सब्जेक्ट और नॉट को अपन को कभी अलग नहीं करना है यार यहाँ पर जो ये बेस्ट सही है बस कुछ एक बातें को ध्यान रखनी है डब्ल्यू एच ओड हमेशा क्या आएगा सबसे पहले डब्ल्यू एच ओड आएगा और उसके बाद वापस हेल्पिंग वरब आएगी तो प्रैक्टिस करते हुए हम इसको चलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमारे एक और एग्जाम्पल था ये सिक्स वाला अब देखो अब आपने कहा कि सर यहां तक तो ठीक है मान लो ये हो वी वी मेक अ न्यू टीम हम एक नई टीम बनाते हैं ठीक है अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा ये लो भाई वी अब यहां आएगा डू क्योंकि डज नहीं आएगा हमें पता है क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी डू नॉट मेक न्यू टीम फिर डू को ले लो पहले डू वी मेक फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा डू वी नॉट फिर वाई डू वी फिर पूरा सेंटेंस फिर वाई डू वी अब मुझे बताओ इन सब में जो है स्ट्रक्चर याद रखने की अपन को कहाँ जरूरत है क्या हमको स्ट्रक्चर नीड है याद करने की कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर अब प्रेजेंट सिंपल टेंस कहता क्या है अब चलते हैं अब ध्यान से गौर से इन बातों को सुनिएगा दो तीन मुख्य लाइने प्रेजेंट सिंपल टेंस की रिवीजन के तौर पर और अभी तक हमने क्या समझा उसके तौर पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की जब भी बात होगी वाक्य के अंत में ता है ते हैं तीहे आएंगे तब पता चलेगा वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है और देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट ही शी या इट है तो वर्ब के एंड में एस ई एस आई एस लगा दो और उसी सेंटेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले सेंटेंस का जब नेगेटिव बनाएंगे तब डज नॉट का इंट्र, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज यूज़ करेंगे सहायक क्रिया और वो का वो अगर सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम डज नहीं डू लगाएंगे और इंट्रोगेटिव और लेंगे? लेंगे। को भी याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि present simple tense कहता है कि SES का, IS का use जान लो, और मैं present simple tense हूं और मैं किसके साथ लगाओ हमेशा ही शेट के साथ लगाओ अब चूंकि ई एस भी ही e शिट के साथ है तो डू के साथ भी ई e एस लगा तब जाके डज बना इसलिए ही शीट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं बस इतना सा प्रेजेंट सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट है दूसरी मुख्य बात सिक्स कैटेगरी के, के सेंटेंस होते हैं सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंटोगेटिव नेगेटिव दीज आर सिक्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज छह तरीके के ये वाक्य होते हैं और बहुत आसानी से बनाए जाते हैं सिंपल सेंटेंस बन गया नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का काम में ले लिया हमने जब एक बार डज का यूज हो गया तो बार बार उस जैसे राम डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज नहीं आएगा इस तरीके से बात आ रही समझ में और देखो प्रश्नवाचक वाक्य आया मतलब सब्जेक्ट से पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है ठीक है और डब्ल्यू एच वाला वर्ड आया सेंटेंस आया डब्ल्यूएच वाला वर्ड भी क्वेश्चन मार्क वाला होगा डब्ल्यू एच वर्ड एन वेन वॉट वाई है ना तब डब्ल्यू डब्ल्यू एच वर्ड तो आएगा पहले और चूंकि प्रश्नवाचक है इसलिए सब्जेक्ट से पहले वो का वो कॉन्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब वाला तो बहुत ही ईजी ये हमारा टेंस था हमने सिक्स कैटेगरी के सेंटेंस अच्छी तरीके से समझे हैं इसको इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और होगी और अब इस टेंस के अंदर आपके बाकी रहे हैं एडवर्बियल्स इसके एडवर्ब अब काफ़ी काफी बच्चे ये कहते हैं कि सर हर टेंस के एडवर्ब क्या होते हैं फिक्स होते हैं बेटा ये बात अभी तक आपने जहाँ तक पढ़ी थी समझी थी वो गलत थी हर टेंस के एडवर्ब फिक्स नहीं होते हैं कुछ एक एडवर्ब होते हैं है ना जो फिक्स होते हैं बाकी सारे एडवर्ब फिक्स नहीं होते हैं जैसे आपके माइंड में हमेशा सेट होता है सर ऑलवेज जो है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवर्ब है बिल्कुल सही बात है आपकी ऑलवेज जब आएगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस बनेगा लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस पास्ट का दे रखा हो एग्जाम्पल से समझना इधर, जैसे राम ऑलवेज गोज टू स्कूल सर आप हमेशा राम को ही क्यों लेते हो कुछ भी ले लो दूसरा ले लो भले ठीक है राम ऑलवेज गोज टू स्कूल अगर मैं इस ऑलवेज को इस तरीके से लिखूं और इसको अगर मैं में डाल दूं, पास सिंपल में राम ऑलवेज वेंट टू स्कूल और अगर मैं इसको फ्यूचर में डाल दूं, राम ऑलवेज विल गो टू स्कूल तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या ये सेंटेंस तीनों गलत है बशर्ते एक और सेंटेंस या हो है ना देखो राम ऑलवेज टू स्कूल राम हमेशा विद्यालय जाता है सर वाक्य बिल्कुल सही है है ना? यहाँ तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे और चूंकि अगर मैं बात करूँ राम ऑलवेज वेंट टू स्कूल राम हमेशा स्कूल जाता था तो क्या ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा नहीं ये सेंटेंस भी क्या होगा करेक्ट होगा राम ऑलवेज विल गो टू स्कूल राम हमेशा स्कूल जाएगा क्या ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा नहीं ये सेंटेंस भी करेक्ट होगा बशर्ते इसके साथ में क्या हो एक सेंटेंस और फ्यूचर का और पास्ट का एड हो तो हमने सीखा क्या कि सारे एडरविल फिक्स नहीं होते तो हमको एडरविल्स को भी क्रैम नहीं करना है वो कैसे आया है क्यों आया है क्या कहना चाहता है वाक्य के अंदर तो इसके भी हम एग्जाम्पल्स लेंगे फिर इस टेंस को और अच्छी तरीके से समझेंगे और इसका एक और पार्ट जो इस टेंस के यूज़ है हमारे किस इस, इस टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है उस यूज़ को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ यहाँ इस टेंस का यूज़ होता है चूँकि ये टेंस की वीडियोज मैंने जो है ये सेकेंड और अपना थर्ड वीडियो में जाके ये टेंस कंप्लीट होगा इस टेंस के वीडियोज़ मैंने लेंथी इसलिए लिए हैं ताकि ये थोड़ा सा टफ टेंस होता है है ना पहले मैं आपको बता चुका हूँ तो अच्छे तरीके से स्टेप बाई स्टेप सर आपके माइंड में सेट हो जाए इसलिए थोड़ा सा ये लंबा हो गया है और चूँकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना सारा एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं है सक्सेस पॉइंट स्कूल की जब रेगुलर क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी मैं कह रहा हूँ फिर से एक एक बात पर एम्फेसिस कर रहा हूँ मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पर कि हम हम टॉपिक्स को समझेंगे हम है जैसे आगे नहीं बढ़ते चले जाएंगे बस एक बार देख लिया और छोड़ दिया उसको बस एक बार रट लिया और छोड़ दिया नहीं ऐसा नहीं है ना इंग्लिश में हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं इन दोनों का मतलब हमें पता होना चाहिए ऐसे इंग्लिश नहीं पढ़ते चले जाना जैसे अब तक पढ़ते हुए चले आ रहे थे आप हर एक चीज़ कॉन्सेपचुअल है ना सभी चीज़ों के जो है कॉन्सेप्ट है अपने तो वो कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है थोड़ा शुरू शुरू में लगेगा कि सर इतने बारीक वाले जो नियम है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इतना लेंदी हो रहा है अपना तो वो लेंदी नहीं हो रहा है वो बेसिक था जो आपको पहले पढ़ लेना चाहिए था है ना लेकिन आपने पहले ढंग से उसको पढ़ा नहीं इसलिए वापस पढ़ने की जरूरत पड़ रही है हमें और वो भी ऐसा कि जैसा आपको रटना ना पड़े बस समझ में आ जाए सारी चीजें जैसे अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस समझाए तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत ही सिंपल फॉर्म थी ये प्रेजेंट सिंपल की है ना तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके यूज़ इसके और एग्जाम्पल्स हम लेंगे और भी बेहतरीन तरीके से इस टेंस को समझते हुए नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस को पूरी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे ओके बाई डर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और एक बार रिपीट कर फिर इसको देखें और शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे यहाँ इस तर, इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा थैंक यू